मेरा आज का वीडियो उन लोगों के लिए स्पेशली मैंने बनाया है जो 2021 में चाहते हैं कि उनका भी एक YouTube चैनल हो, पर मन में बहुत सारे डाउट्स हैं कि आपको किन चीज़ों की एक्चुअली में ज़रूरत पड़ने वाली है। तो इस वीडियो में मैं थ्रू आउट जितनी भी बेसिक रिक्वायरमेंट है एक YouTube चैनल को स्टार्ट करने की, वो कवर करने वाली हूँ। हाई, दिस इज दीप्ति एंड वेलकम बैक टू वुमेंस वर्ल्ड। तो सबसे पहले शुरू करते हैं हमें बेसिक रिक्वायरमेंट क्या होती है। इस टॉपिक पे आपको बहुत सारे जो है वीडियोस मिल जाएंगे जिसमें बहुत सारे जो टेक्निकल वर्ड्स यूज़ करने वाले हैं वो सारे के सारे, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें बता देंगे जो कि आपको उसे देख करके फील होगा कि YouTube का चैनल रन करना शायद आपके बस की बात नहीं है, या फिर शायद इतने ईजी वे पे बता देंगे कि आपको लगेगा कि YouTube का जो चैनल है उसे स्टार्ट करना एक हलवा बनाने के बराबर है। यस, हलवा बनाने के बराबर है, मैं भी यही कहूँगी, बट हलवा बनाने के लिए भी ना बहुत सारे बेसिक इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत होती है अगर हलवे को अच्छे से रेडी करना है। आप अपना जो माइंड है उसे पूरा का पूरा ओपन अप करके बैठ जाइए एंड जो बेसिक रिक्वायरमेंट है उसकी एक लिस्ट जो है वो तैयार कर लीजिए, ताकि अगर आप भी अपना यूट्यूब चैनल जो है वो स्टार्ट करना चाहते हैं, उसे सक्सेसफुली रन करना चाहते हैं, तो ये वीडियो जो है ना आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। पहले जब भी हम एक चैनल स्टार्ट करने की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे मन में जो ख्याल आता है वो है एक वीडियो का। तो वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए आपको बहुत हाई फाई और बहुत फैंसी कैमराज में जो है इन्वेस्ट करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास एक स्मार्टफोन है एक डिसेंट सा, तो वो वेल एनफ है आपको एक अच्छी क्वालिटी के वीडियोग्राफी करने के लिए, एक वीडियो को रिकॉर्ड करने के लिए। तो अगर आपका स्मार्टफोन है आपके पास, तो आप बहुत अच्छे से जो है अपना YouTube चैनल जो है वो स्टार्ट कर सकते हो। तो वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए, तो कैमरा अगर आपके पास नहीं भी है तो आपके पास लाइक एक स्मार्टफोन है वो वेल इनफ है, जैसा कि मैं बोल चुकी हूँ। तो उसमें आपको बस ध्यान इस बात का रखना है कि लाइटिंग, तो लाइटिंग जो है आपको या तो नेचुरल डे लाइट में शूट कर लीजिए। अगर आप इंडोर हो तो आप कोशिश कीजिए कि जो सबसे ज़्यादा जिसमें घर में रोशनी आ रही हो तो वो सबसे ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि ऑफकोर्स सी बात है जब आप वीडियो लाइक अपना शूट करते हो तो अच्छी लाइटिंग आपको चाहिए, और इनिशियली आप अपना चैनल स्टार्ट कर रहे हो तो आप ह्यूज इन्वेस्टमेंट नहीं चाहोगे। तो लाइक ऐसे कोई प्लेस ढूंढ लीजिए अपने घर में जहाँ पे बहुत अच्छी रोशनी आती हो, वो उतना एनफ होता है एक अच्छी क्वालिटी का जो है वीडियो वो रिकॉर्ड करने के लिए। अच्छी वीडियोग्राफी के लिए आपका जो नेक्स्ट चीज़ है जो आपको चाहिए होता है वो है ट्राईपॉड। तो ट्राईपॉड में जो है इन्वेस्टमेंट ज़रूर कीजिए। मे बी 4 to 5 years से जितने भी यूट्यूबर्स ने कहा है आपको कि बुक्स स्टैक कर दीजिए टेबल के ऊपर एंड देन वहाँ पे अपने जो मोबाइल फ़ोन को है उसे प्लेस कर दीजिए एंड देन वीडियो रिकॉर्ड कर लीजिए, तो आई डोंट थिंक सो कि वो बहुत अच्छा ऑप्शन होगा आपके लिए। आप भी चाहोगे कि आप अगर वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हो तो आप अपने ओन स्पेस में, अपने लाइक ओन एंगल में, आप जिस एंगल में चाहते हो उस हिसाब से शूट कर सको। तो ट्राईपॉड जो है वो बेसिक रिक्वायरमेंट है, आप उसमें ज़रूर इन्वेस्ट कीजिए। 3-350 से बजट जो है वो स्टार्ट हो जाता है। मैं अमेजोन फ्लिपकार्ट में से जो भी लिंक मुझे अच्छे मिलेंगे डील्स के और या फिर लाइक ऑप्शंस अच्छे ट्राईपॉड्स के, तो वो मैं नीचे लिंक कर दूंगी। मेरे पास कौन सा ट्राईपॉड है वो भी मैं आपको बता दूंगी। एक मोबाइल फ़ोन को जो है रखने के लिए या उस स्टैंड में यूज़ करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा महंगे या स्टडी कैमरा होल्डर्स की या फिर कह सकते हो ट्राईपॉड की ज़रूरत नहीं होती है। इसका वज़न ऑफकोर्स से बात है 200-250 ग्राम से ज़्यादा नहीं होता है बिल्कुल भी। तो एक लाइक बेसिक सा जो ट्राईपॉड है जो 3-350 रुपये में अवेलेबल होता है वो एनफ होता है। तो डू इन्वेस्ट इन दैट, क्योंकि आप भी चाहोगे कि जो कैमरा है वो बिल्कुल भी हिले नहीं, जो लाइक वीडियोग्राफी हो वो स्टेबल वीडियोग्राफी हो, अच्छी वीडियोग्राफी हो, आप अपना एंगल जो है खुद चूज़ कर सको कि आप किस एंगल से अपनी वीडियो को शूट करना चाहते हो। तो डू इन्वेस्ट इन अ गुड ट्राईपॉड, बहुत महंगे नहीं होते हैं। मेरे पास है ये वाला जो है, ये ट्राईपॉड जो आप अभी देख रहे हो, ये 3 ट्राईपॉड है। तो एक ट्राईपॉड है जिसमें मैं अभी शूट कर रही हूँ, एक मेरे पीछे है, इस पर रिंग लाइट जो है मैंने परचेज करके अटैच किया है। मेरी वीडियोग्राफी में कभी मुझे नाइट वीडियो शूट करने होते हैं तो वो बहुत ज़्यादा लाइक अच्छा होता हो जाता है मुझसे। तो इसमें जो ये रिंग लाइट है ये मैंने फिक्स कर दिया है। ये जो पीछे मेरे पास ट्राईपॉड रखा है ये भी मैंने जो है फ्लिपकार्ट से परचेज किया था एंड ये 9 फीट तक एक्सटेंडेबल हो जाता है। तो जो मेरे वीडियो है बहुत अच्छे शार्प और बहुत स्टेडी जो होते हैं वो रिकॉर्ड हो जाते हैं स्टेडीली। एंड देन मेरे पास 3rd ट्राईपॉड है ये वाला, जो इसे मैं गिम्बल की तरह यूज़ करती हूँ। बहुत महंगा नहीं है, ये शायद 400 या 500 रुपीज़ का होगा, मैंने फ्लिपकार्ट से परचेज़ किया था। और ये वाला जो है इसे मैं बाहर जो आउटडोर शूट होता है उन सब के लिए भी यूज़ कर लेती हूँ। इसे आराम से आप गार्डन में या
पार्ट में कहीं पे भी आप इसे लगा सकते हो, रख सकते हो, एंड देन इसको अगर आप क्लोज कर दोगे तो एज अ गिम्बल भी आप खुद की जो सेल्फी वाली जो रिकॉर्डिंग होती है वो कर सकते हो। बहुत कॉम्पैक्ट है तो आप इसे हैंडबैग में भी जो है वो कैरी कर सकते हो। बाहर कहीं वीडियो शूट कर रहे हो तो बहुत बड़ा सा जो ट्राईपॉड है बहुत सारा उसे लेकर के जाने की ज़रूरत नहीं होती। तो ये जो तीनों ट्राईपॉड के जो लिंक्स है ना मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, डोंट फॉरगेट टू चेक आउट दैट। बहुत ज़्यादा प्राइसी नहीं है, तो ऑफकोर्स अगर आप YouTube चैनल जो है अपना स्टार्ट करना चाहते हो तो ये जो है चीज़ जो बेसिक रिक्वायरमेंट में आज के डेट में है तो इसे ज़रूर से परचेज कर लीजिए। ऑफकोर्स ये बात है कि सिर्फ और सिर्फ अच्छी क्वालिटी का जो वीडियो है उससे आपका काम नहीं चलने वाला, अच्छी वीडियो के साथ एक अच्छा ऑडियो होना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो अगर आप अपना YouTube चैनल स्टार्ट करना चाहते हो तो अगेन अच्छी क्वालिटी के वीडियो के साथ साथ अच्छी क्वालिटी के जो ऑडियो है उसे भी आप रिकॉर्ड करना चाहोगे तो उसके लिए एक और रिक्वायरमेंट की चीज़ होती है, वो है माइक। तो माइक में इन्वेस्ट ज़रूर से करिएगा। कितने भी यूट्यूबर्स ने बोला है कि एक फ़ोन में जो माइक होता है इनबिल्ट वो बहुत अच्छे क्वालिटी के वीडियो रिकॉर्ड कर सकता है, येस कर सकता है, मगर उसमें नॉइस कैंसिलेशन जैसी चीज़ नहीं होती है। अगर आप वीडियो को 2 feet या 3 feet से आप अगर रिकॉर्ड कर रहे हो तो ऑफकोर्स जो आसपास के जो साउंड्स हैं वो भी रिकॉर्ड होने वाले हैं, जो आप बिल्कुल भी करना नहीं चाहोगे। तो डू इन्वेस्ट इन अ गुड माइक। मुझसे क्या गलती हो गई थी कि मैंने जो पहले माइक ख़रीदा था कुछ 150 या 200 या 199 ऐसे कुछ प्राइस में मुझे मिल गया था, बट उसकी जो वायर जो कॉर्ड है उसका लेंथ जो था वो 1.5 मीटर था। वो मत करिएगा, एटलीस्ट 5 मीटर वाला जो वायर है जो कॉर्ड है वो वाला जो माइक है उसे परचेज़ कीजिएगा। बहुत अच्छी रिकॉर्डिंग करने में आपको इजी हो जाएगा। आप अपने जो ट्राईपॉड है उसे कहीं भी जो है विद इन 5 मीटर ऑफ रेंज आप कहीं भी प्लेस कर सकते हो और इजीली जो है अच्छी क्वालिटी के, अच्छी वॉइस क्वालिटी, ऑडियो एंड वीडियो क्वालिटी के आप रिकॉर्ड जो है बना सकते हो, वीडियोग्राफी कर सकते हो। फोर्थ पॉइंट में मैं यहाँ पर कवर करना चाहूँ कॉन्टेंट। तो कंटेंट जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि 2019 में ही जो ये गाइडलाइंस है वो दे दी गई थी कि जो भी आपका वीडियो चैनल है वो पर्टिकुलरली जो आपका सब्जेक्ट आप चूज़ कर रहे हो उसी के अकॉर्डिंग होना चाहिए। आउट ऑफ द टॉपिक आप वीडियो नहीं बना सकते, नहीं तो आपको स्ट्राइक मार्क मिल जाएगा या फिर आपको ग्रो करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है। तो बी स्पेसिफिक कि आपको कौन से टॉपिक के अंडर आपका जो है वो वीडियो बनाना है, उसका चैनल का नाम रखिए उसे हिसाब से, और उसके बाद आप अपनी जो है चैनल को बहुत बेफिक्री के साथ स्टार्ट कर सकते हो। आज का मेरा लास्ट पॉइंट है कंसिस्टेंसी। तो वीडियो अगर आपने चैनल बना लिया है, अच्छा माइक खरीद लिया है, अच्छा कैमरा खरीद लिया है, या फिर आप मोबाइल से शूट कर रहे हो, या ट्राईपॉड खरीद लिया है, आपने चैनल का नाम भी डिसाइड कर लिया है, चैनल को स्पेसिफिक टॉपिक भी डिसाइड कर लिया है, देन फिफ्थ पॉइंट जो है हमारा आता है वो है कंसिस्टेंसी। आप भी चाहोगे कि चैनल स्टार्ट किया है तो वो भी ग्रो करे और जल्दी जल्दी ग्रो करे, तो ऑफकोर्स ये बात है कंसिस्टेंटली आपको काम करना पड़ेगा। गिव इट अ टाइम, 6 months to 1 year का टाइम आपको देना ही पड़ेगा। आपको वॉलंटरीली जो है वो काम करना पड़ेगा, अपने चैनल के लिए मेहनत जो है वो करनी पड़ेगी, तो वो कीजिए। एंड बी स्पेसिफिक कि आप कौन से डे में और कौन से टाइम में जो है अपना वीडियो अपलोड करते हो, ताकि जो आपके ऑडियंस है उसको पता चल सके, उस समय तक वो अपने आप को फ्री कर ले और फिर आपके वीडियो को देखने के लिए वो हमेशा से रेडी रहें। ये था मेरा आज का वीडियो, 5 बेसिक रिक्वायरमेंट टू स्टार्ट अ यूट्यूब चैनल इन 2021। तो आप भी अगर चैनल स्टार्ट करना चाहते हो तो गिव इट अ ट्राई, आप ज़रूर स्टार्ट कीजिए। टाइम चेंज हो गया है, हर कोई चाहता है कि उसका एक वीडियो चैनल हो, बहुत अच्छे से ग्रो करे, सबकी अपनी हॉबीज़ होती है, इंटरेस्ट होता है। कम ऑन यार, हम सब अभी न्यूक्लियर फैमिलीज़ में आ गए हैं, बहुत सारा जो ट्रेंड है वो चेंज हो गया है। पहले हमारे पास बुक्स हुआ करती थी जिसमें अपनी हॉबीज़ हम लिखा करते थे या थॉट्स लिखा करते थे, हर चीज़ का जो ट्रेंड है वो चेंज होता जाता है। तो अभी भी वो जो ट्रेंड है वो चेंज होकर यूट्यूब में शिफ्ट हो गया है। अगर आप भी चाहते हो अपना चैनल स्टार्ट करना, आपकी हॉबीज़ है उसे सबके साथ शेयर करना चाहते हो, पहले जो है सोशल मीडिया का ज़माना नहीं था तो हम अपना सर्कल जो है 4-5 लोगों के बीच, अपने स्कूल के, अपने कॉलेज के, या अपने सर्कल के बीच में ही, अपने रिलेटिव फ्रेंड्स के बीच में रहना चाहते हैं, तो वो जो बाउंड्रीज है, जो हॉराइजॉन्स है, वो इंक्रीज हो करके पूरे वर्ल्ड में चली गई है। तो अब मुझे ऐसा लगता है कि जितने भी लोग इस दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं दे आर फैमिली।
तो दे आर लाइक फैमिली. तो आप सबके साथ जो है अपने थॉट्स, अपने व्यूज़, अपने हॉबीज़, आइडियाज़, इंटरेस्ट शेयर करना चाहते हो तो YouTube इज़ द बेस्ट वे कि आप वो सारी चीज़ें जो है शेयर कर सको. अगर आपको लगता है कि सबके साथ शेयर करना चाहिए तो डू स्टार्ट योर चैनल इन 2021. तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो गिव इट अ थम्स अप. बहुत ज़्यादा हाई फाई टेक्निकल चीज़ें मैंने नहीं बताई है, बेसिक रिक्वायरमेंट्स बस बताई है. तो लाइक मेरे ख्याल से इससे इजी वे में कोई और समझा नहीं सकता था और इसलिए मैंने सोचा कि गिव इट अ ट्राई. तो मेरे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक इस अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली या नियर एंड डियर वन के साथ जो अपना यूट्यूब चैनल जो है स्टार्ट करना चाहते हैं उनके साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा. और मेरे चैनल को भी ग्रो करने में हेल्प करिए ताकि मैं भी जो है मिनिमम इनका जो क्राइटेरिया है एटलीस्ट 1000 हिट कर सकूं और मेरे चैनल को भी ग्रो करने में काफ़ी हद तक हेल्पफुल हो जाएगा. अगर आपके मन में किसी भी तरीके का क्वेश्चंस हो कि लाइक वीडियो को किस तरीके से एडिट करना है या किस तरीके से आप बहुत अच्छे जो वीडियोस है बना सकते हो, किस तरह से ट्रांजिशंस लेकर आने हैं, किस तरीके से लाइक कंटेंट राइटिंग करनी है तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. मैं उस पर भी सेपरेट वीडियो बना दूंगी. अगर आपको चाहिए होगा तो, अगर आपको मुझसे जानना होगा तो, आपको मेरे वीडियोस अगर अच्छे लगते होंगे तो यस, किसी भी तरीके का मन में कोई भी क्वेश्चन है उसे मन में मत रखना, नीचे कॉमेंट करके मुझे ज़रूर पूछेगा. मैं डेफिनेटली लाइक आंसर करने का, हर एक क्वेश्चन को आंसर करने का कोशिश करूँगी. तो ये था मेरा आज का वीडियो, 5 बेसिक रिक्वायरमेंट टू स्टार्ट अ यूट्यूब चैनल. आई होप मेरा जो ये आज का कंटेंट है आपको पसंद आया होगा. और अगर आपको भी जो है एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट करने की इच्छा होगी तो थोड़ा सा जो कॉन्फिडेंस है ना वो बूस्टअप हुआ होगा तो गिव इट अ ट्राई. अगर आप अपना यूट्यूब चैनल जो है वो स्टार्ट करना चाहते हैं तो जल्दी से जल्दी स्टार्ट कर दीजिए. ऐसा कोई रूल नहीं है कि आपको लाइक 20 साल पहले स्टार्ट किया होता या 10 साल पहले स्टार्ट किया होता. ऑफकोर्स टाइम के साथ हर चीज़ चेंज होती है तो ऑफकोर्स आप अभी स्टार्ट कर रहे हो तो हो सकता है कि 4-5 साल बाद जो स्टार्ट करें वो सोचेंगे कि लाइक अभी स्टार्ट किया होता तो अच्छा होता. तो देर इज़ नथिंग लाइक परफेक्ट टाइमिंग. तो जब जागो तब सवेरा समझो. और YouTube चैनल स्टार्ट करना चाहते हो तो प्लीज़ इसे स्टार्ट कर दीजिए एंड गिव इट अ टाइम. मैंने YouTube चैनल इसलिए स्टार्ट किया था क्योंकि मुझे जो है स्कूल में भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ है उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट हुआ करता था. मुझ पास बहुत सारी चीज़ें मुझे शेयर करना अच्छा लगता था और लाइक फ्रेंड सर्कल, एक फैमिली, बहुत बड़ी फैमिली का एक सपना था. तो मैंने सोचा कि YouTube, वाई नॉट चूज़ YouTube. तो YouTube एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ मैं बहुत अच्छे तरीके से अपनी जो फैमिली है उसे बढ़ा सकती हूँ, जो अपना दायरा है शेयर करने का वो बढ़ा सकती हूँ. तो लाइक इसीलिए मैंने जो है YouTube चूज़ किया. और आई होप अगर आप लोगों ने मुझे सपोर्ट किया तो एक दिन ये जो मेरी YouTube फैमिली मैंने बनाई है अपनी, ये बहुत बड़ी होगी. तो अभी तक चैनल जो मेरा है वो सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए. एंड अगर मेरा वीडियो आज का अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, जो लाइक का बटन है उसे हिट कर दीजिए. नोटिफिकेशन बेल भी जो है उसे दबा लीजिएगा ताकि हर एक वीडियो जो भी मैं बनाऊँ, बहुत दिल से बनाती हूँ, तो वीडियो जो भी मैं बनाऊँ उसे आप तक ज़रूर से पहुँच जाए उसका नोटिफिकेशन. एंड यस, तो ये था मेरा आज का वीडियो. तो चलिए मिलती हूँ अपने अगले वीडियो में. टिल देन बी सेफ एंड बी ब्यूटिफुल. बाय बाय.